हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आया हूँ टैक्सिला सिटी। और जैसे कि आपको पता है, टैक्सिला सिटी गंधारा सिविलाइजेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और आज जो हमने जो दो जगह सेलेक्ट की हैं, उसमें एक है धर्माराजिका स्तूपा। यहाँ पर तो अभी हम पहुँच गए, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम जाएँगे मोड़ा मुरादू, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ धर्माराजिका स्तूपा का। ये बनाया था 3rd सेंचुरी में अशोका ने, ठीक है। और ये जो स्तूपा है, ये रिलेटेड है बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। चले, तो हाँ गाइस, अभी मैं जो है ना मेन गेट से तकरीबन कोई 3-4 मिनट की वॉक की है मैंने। तो अभी मेरे सामने जो है ना ये स्तूपा आ गया। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखें, ये पीछे मेरे अगर आप देख सकें तो ये पीछे स्तूपा है जिसका नाम है धर्माराजिका स्तूपा। तो हाँ गाइस, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ये धर्माराजिका स्तूपा को जो है ना कम्प्लीटली एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। धर्माराजिका कंटेंस द रेलिक्स ऑफ बुधा। द ग्रेट धर्माराजिका स्तूपा इज अमंग द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 3rd सेंचुरी बाय अशोका, ऑल्सो कॉल्ड एज चीर टॉप, बिकॉज देर इज अ स्केयर ऑन इट्स साइड फ्रॉम वेयर रेलिक वॉज स्टोलन। The complex of Dharmarajika has two parts, the stupa area and several monasteries around it, where people used to worship. The stupa was decorated with sculptures of Buddha. It gives an insight to the rise and fall of Buddhism in this area. Even now, Buddhist followers visit here and perform religious rituals of the dharma at the stupa. तो मेरे साथ अभी एक विजिटर है, मैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या हाल है आपके? मैम ये जो आप आई हैं यहाँ पे धर्माराजिका जो ना स्तूपा पे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपने देखा यहाँ पे? एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो हम तो अभी तक किताबों में ही पढ़ते आए हैं कि हमारी जो तारीख है 3000 साल पुरानी तारीख है। और अब जब अपनी नज़रों से सामने हम देते हैं, दिल में जहन में सोच के आते हैं कि हमें वही चीज़ें उसी हालत में शायद मिल जाएँ। जब हम यहाँ आते हैं, एक तो इनकी देखभाल के लिए एक तबीयत याफ्ता अमले की कमी महसूस होती है। बिल्कुल। और एक जो गाइड होते हैं प्रॉपरली, जो डिप्यूट होते हैं हमारे सरकार की जानिब से, उसकी कमी महसूस होती है। कि हम जो सीना पे सीना लेकर चलते हैं, कुछ अफराद वही हमें बताते जाते हैं, या ये जो एक बैनर यहाँ शुरू में लगा हुआ है, बिल्कुल, तो उससे हम थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ते जाते हैं। हम अगर आए अपने तौर पर अपने तसल्ली के साथ, तो हमें नहीं मालूम कि पहले किस डायरेक्शन में हमें जाना है। बिल्कुल, प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास नहीं है। कहते हैं ना, रास्ते ने रहबर बचाते हैं, तो रहबर होना चाहिए। इसकी कमी महसूस की गई है। वैसे तो हमारी तारीख वाकई बहुत पुरानी है। बिल्कुल। और जिस तरह मैं देख रही हूँ कि हर आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि अशोका ने सब राख जो है थोड़े थोड़े मुल्कों को, बिल्कुल ऐसे दी थी, और यहाँ वो उनका मतलब है। इस जगह को हम देखने आते हैं और अपने छोटे बच्चों में ये जानकारी मुंतकिल करते हैं, ताकि उन्हें भी हमारी तारीख के हवाले याद हों और उन्हें पता चले कि किस तारीख के मौजूद हैं दुनिया में। बिल्कुल। तो वैसे आपको जगह कैसी लगी? वैसे मतलब अच्छी लगी? जगह पुरसुकून है, यही सोचने की बात है ना, कि वो जो महात्मा बुद्ध यहाँ आते थे, अशोका यहाँ आते थे, बिल्कुल सुकून की तलाश में आते, ताकि वो उनका एक जो ताल्लुक है अपने गॉड के साथ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए वो ऊंचाई के समत ज्यादा जाते थे इबादत के लिए। उसकी वजह जो मुझे समझ आती है कि जो शुमाली इलाकों से हवाएं आती हैं, वो हवाएं हमारे सांस के अंदर जो जाती हैं, तो हमें ताकत देती हैं। बिल्कुल। तो एक वजह ये भी है कि वो टॉप पर जाके इबादत किया करते थे, वरना हमारे यहाँ तो गारों में जाके इबादत की जाती है। बिल्कुल, गारों में जाके इबादत की। टॉप पर जो जाते थे, सांस का जिंदगी के साथ बहुत बड़ा ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो हमें अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी कोई जगह आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मेरे फेसबुक पेज पर भी जाके मुझे फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।